लेकिन ईदगाह कमेटी सुन्नी पीदर से मैं अपील करता हूँ कि आप सभी को मालूम है कि ईदगाह कमेटी के इलेक्शन चल रहे हैं जो 7 तारीख को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक है। मैं मोहम्मद सलीमुद्दीन एम ए सलीम जो है अर्बन बैंक चेयरमैन और साबेखा ईदगाह कमेटी के ट्रेजर रहा हूँ, मैं साबेक में जो है जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ मैं, और वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट वर्क हुए हैं उसमें बड़ा हिस्सा मेरा आ रहा है और डेवलपमेंट करने में भी मैं बहुत सा ताउन किया हूँ। मैं इस बार लास्ट टाइम नहीं ठहरा था, इस बार मैं इलेक्शन के लिए ठहरा हूँ। मेरा निशान मेरा जो है बैलेट पेपर पर 14 नंबर पे है और मेरा निशान बॉय एंड गर्ल्स है। मैं एक पैनल के साथ ठहरा हूँ, मेरे साथ जुमला जो है 15 आदमी है, टोटल 16 का पैनल है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आपका कीमती वोट और जो है इस पैनल को दें ताकि आप जो है ईदगाह की तरक्की में आपका ताउन रहे। सर पिछली बार 2 पोस्ट थे आपको ईदगाह में, ट्रेजर भी थे आप, जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, जी तो जी। आपकी खिदमत में क्या अच्छे काम अंजाम हुए इत्यादि? आपको मैं खासकर बिदर के अवाम को और ख़ासकर इस बार जो मेंबर बने हैं उनको मैं इत्तला देते हुए मसरत महसूस करता हूँ कि ये जो ईदगाह का कॉम्प्लेक्स है इसकी बुनियादी कमेटी के भी इल्म में नहीं था। इसका प्रपोज़ल मैं खुद डायरेक्ट जो है ना प्रपोज़ल मैं जो एजिस सेट के थ्रू जो है ये काम किया, उसके पूरे जो है फंड सेंक्शन कराने में, वर्क कराने में, उसको जो है फाइनल डेवलप करके स्टैंड कराने के लिए और स्टार्टिंग में 16 मलियों की तामीर के लिए मेरे भाई साहब को जावेद अहमद को और शेख सलीम साहब कंट्रैक्टर को ठहरा कर 16 मलियों की तामीर किए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसा जैसा जो है लोगों से जो है डिपॉज़िट लेते गए और एक मलियाँ तैयार करते गए। उसके बाद गवर्नमेंट लाइन डिक्लेयर हो गई थी जिसको जो है हैंडओवर कर लेने वाले थे गवर्नमेंट, जो ट्रिब्यूनल में फैसला हुआ था साबेखा जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने। उसके बाद जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैं खरगे साहब को, बसराज पाटिल को और श्रीकंठे साहब को पकड़ कर डिप्टी कमिश्नर के थ्रो फिर उसको जो है रीजजमेंट कराया, रिवाइज जजमेंट, उसमें ईदगाह की ज़मीन को तस्लीम करते हुए ईदगाह के हवाले किए, फार्म नंबर 10 वगैरह इशू किए। उसके बाद जो है एक केस हो गया था लाइट का, जो 18 महीने तक लाइट बन रही, कमेटी के कोई मेंबर या सदर या सेक्रेटरी कोई काम नहीं किए। जाके मैं जो है ना गुलबर्गे से एमडी से ऑर्डर लेके आया और जो है उसको ऑर्डर लाने के बाद फिर इस तरीके का ऑर्डर नहीं, इससे हट के ऑर्डर होना चाहिए, जब्बार साहब वगैरह जो है चेयरमैन थे उस वक्त ऑब्जेक्शन किए, तो जाके फिर डबल मैं ऑर्डर लेके आया उसका। और बाद में जो एमएस बिल्डिंग का जो ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्शन थे वो ख़त्म करके 16-18 मलियों को जो है ना डायरेक्ट कनेक्शन कराया मैं। उसके बाद और जो है कॉम्प्लेक्स में ये लेके आपके जो फर्नीचर की दुकान को किराए से दिए थे उनसे एडवांस लेके छत वगैरह डाल के वैसे रखे थे। मैं हज को जा रहा था तो मैं खर्जे हंसना 1 लाख रुपये दे के शटर और फर्शी कलर वगैरह करा के हैंडओवर करने के लिए बाय रेजोल्यूशन हुआ कि इस खर्जे हसना सलीम साहब से लेकर हम इसकी तामीर करके कंप्लीट करके जिसको हम किराए से दिए उनको हैंडओवर करना बोली। उसके बाद हज से आने के बाद मुझे फिर रेजोल्यूशन लेके मेरे पैसे मुझे वापस दिए और हर वक्त वहाँ हर चीज़ के लिए मैं काम किया हूँ। ये मैं किसी को बताने के लिए या अपने शोहरत के लिए नहीं किया, मेरी आखिरत के लिए किया हूँ मैं। इसलिए मुझे जो है लास्ट टाइम ठहरने का मौका नहीं मिला, मैं नहीं ठहरा और जो है ना इस बार जो है मुझे लोग प्रपोज़ किए, मुझे लास्ट मोमेंट में मुझे 47 नंबर पे मेरा नॉमिनेशन था लेकिन मैं पब्लिक के इसरार पे ठहरा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मस्जिद में या अपने ईदगाह में या किसी मजहबी इदारे में सियासत ना हो, स्मूथली हर दो फरीक जो है इसमें कोई इलेक्शन तक जो है टेंशन रहता है, इलेक्शन के बाद भी माहौल संजीदा माहौल होना चाहिए, शहर के अवाम को जो है ना इस इदारे को जो है ना अच्छे तरीके से खिदमत करके हम बताना चाहिए। यह हमारा फ़र्ज़ है, यह हमारे आखिरत के लिए करना है, ये किसी को बताने के लिए करना नहीं है। अगर इस बार आप जीतते हैं और आपका पैनल भी जीत जाता है तो आपके इस बार के प्लान क्या है फिर डेवलपमेंट? नहीं नहीं फर्दर डेवलपमेंट ये फर्स्ट हमारा प्लान ही जो है 3 मंजिला बिल्डिंग थी है।
बाजबता हमारा परमिशन है म्यूनसिपालिटी का, 3 फ्लोर का है, उसमें जो है ना हम एजुकेशन के लिए या मेडिकल सहूलत के लिए उसको जो है ना डेवलप किए थे, और जो है ना इसकी सीसी भी यहाँ पे बीडीए से नहीं दिए थे। मैं गवर्नमेंट से जाके सकीर अहमद जो म्यूनसिपल मिनिस्टर थे उनको पकड़कर जो है ना मैं ये कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए जो है मैं सीसी लाया हूँ वहाँ से। सकीर अहमद खुद भी यहाँ पे विजिट किए हैं। मैं इसकी सीसी गवर्नमेंट से लाया हूँ, मैं ये डेवलपमेंट अथॉरिटी से नहीं लाया मैं। तो ये पूरे काम मैं किया हूँ, मैं बाई नेम बोल सकता हूँ, टेबल नाम बोल सकता हूँ, किससे काम लिया हूँ मैं बोल सकता हूँ। कमेटी का कोई मेंबर साबिका हो या साबिका सदर भी जो है नहीं बोल सकते, जो है ये काम पूरा मैं करता था। नाम तो हेड का होता है, जिम्मेदार का होता है। उसी तरीके से हम एक जब भी जो है हम यूनिटी के साथ काम कर रहे थे, आइंदा भी हम यूनिटी के साथ काम करेंगे, और जो है शहर के अवाम को जो है ना हम इस ईदगाह को और डेवलप करके बताएंगे, ताकि आइंदा हम वहाँ पर ही करना बल्कि ज़रूरी नहीं है, हम उस इदारे के नाम से दूसरे इंस्टीट्यूशन बना के हम अवाम में अपने जो है कम्युनिटी के लिए जो है जैसा टेलरिंग सेंटर है या और दूसरे मेडिकल सहूलत है जो भी है, हम जो है ना खिदमत करने के कई रास्ते हैं। एक ही जो है ना हम उसको ऊपर मंजिल पे मंजिल बनाना भी नहीं है हमारा मकसद, ताकि जो है बाजू में आसार कदीम वालों का ऑब्जेक्शन है हमको सेकंड फ्लोर डालने में, इसलिए रोके कि आसार कदीम वाले हमको नोटिस दिए ऊपर छत नहीं डाल सकते बोल के। ठीक है, ये ईदगाह में चर्च के सामने से जो है फर्स्ट फ्लोर बनाए हैं, ये ठीक है, ये हमारे प्लान के मुताबिक है। हम आइंदा जो है ना ईदगाह के और इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उस जगह नमाज को तकलीफ़ होती है, जैसा कि मैं सुना वहाँ पे हॉस्टल बनाने के लिए प्रपोज़ल आया था, तो इससे पहले ये प्रपोज़ल अब नहीं आया, इससे पहले भी जो है अरशद अली साहब MLC थे तो उन्होंने प्रपोज़ल दिया था, सिराज साहब सदर थे, उन्होंने भी कोशिश किए थे कि अंदर ईदगाह के ज़मीन पर बनाने के लिए, लेकिन कमेटी जो है उसके बारे में फतवे मंगाए, फिर कमेटी के मुत्तफ़ा तौर पर रेजोल्यूशन हुआ कि सिटी बढ़ रही है, आवाम को नमाज के लिए तकलीफ़ होती है, अंदर कोई जो है चीज़ जब एक हॉस्टल के लिए देंगे तो हर कम्युनिटी को मौका देना पड़ता है। हॉस्टल किसी महदूद एक कम्युनिटी के लिए नहीं होता, जब गवर्नमेंट फंड दे रही है तो दूसरों को भी वहाँ पे जो है एडमिशन वगैरह देना पड़ता है, इसलिए जो है नमाज की जगह पे जो है वैसे इमारतें तामीर करना नहीं बल्कि हम जो है रेजोल्यूशन लेके उसको वितरण किए थे। फिर जो है नई कमेटी वाले इशू बना दिए उसको, ये नहीं होना चाहिए। आपको जो है हमारा एक और रेजोल्यूशन है पहले की कमेटी का कि ईदगाह के लिए और एक ईदगाह बनाएं ईदगाह के पैसों से, ताकि अवाम को सहूलत हो। जो ईस्ट साइड में नीचे ईस्ट साइड में अस्टोर वगैरह के तरफ एक ईदगाह बनाएं, ताकि लोगों को आबादी डिवाइड हो जाए, एक ही जगह पॉप सिटी में आ गया है ईदगाह, उस पर जो है लोड नहीं होना चाहिए, उस पर जो है बर्डन नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से हमारे पुराने रिकॉर्ड में रेजोल्यूशन है कि जो है ईदगाह और एक बनाना चाहिए 10 एकड़ लेकर, ताकि अवाम को सहूलत हो। तो हम जो है ना उसके लिए जैसा कि मैं अभी बताया कि और दूसरे भी तरीके से खिदमत कर सकते हैं हम आवाम की, जैसा कि टेलरिंग सेंटर बोला मैं, और दूसरे मोबाइल ट्रेनिंग है या जो है ब्यूटी पार्लर है, ऐसे लेडीज़ को जो है ना हम उसमें उनको जो है ना जॉब सर्विस दे सकते हैं, वो अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। तो वो कमेटी के ऊपर रहता है जो भी रेजोल्यूशन होंगे, मेरा एक का कोई बस नहीं चलता, वो मुत्तफ़ा तौर पे अच्छे काम के लिए जो भी रेजोल्यूशन होंगे वो काम करके हम डेवलप करेंगे। मेरा बैलेट पेपर आपको बता रहा हूँ कि बैलेट पेपर हमारे 16 के निशानों के साथ है, इसको आप जो है गौर से देखकर निशान के साथ नाम के साथ जो है वो बैलेट पेपर होता है गवर्नमेंट का, उसको देखकर पढ़कर जो है ना ये निशान लगाएं, ताकि जो है हमारा पेनाल जीतें, आगे जो है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बना सके।